आज तक मुखिया की न कोई विकास काम न हमर कैलक न देलक, पक्का वाला के पक्का मिलल, हमरा कुछ न मिलल है। आज तक जो मरैया झोपड़ी में रहे के अवस्था न है, हमरा रहे के अवस्था न है, ये रहे के अवस्था न है। मुखिया कोई लाभ न हमरा सबके पक्का वाला के पक्का दिल, गरीब के मरैया झोपड़ी है कुछ न हमरा दिल। देखिए मुखिया जी, 10 साल हो गया जी, अभी तक हम लोग को 1 रुपया का लाभ नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है आज तक हम लोग को, कुछ नहीं, कुछ मिलिए नहीं रहा है, मिलवे नहीं किया। यानी इतने दिनों में आप लोगों को एक भी सरकारी योजना का जो है लाभ नहीं मिला? 10 साल का लाभ पानी घर में ढुकल रहा है, पन्नी न देलखिन न मुखिया जी, पन्नी न देलखिन न मुखिया जी, एगो बेचारा कान के बही रही से तो देवे न कल 6,000 रुपया। आवास योजना के लाभ नहीं मिलल? कुछ नहीं। बाढ़ राहत जे आल रही 6,000 रुपया, वो मिलल अहा के? ना नहीं मिलल। बाढ़ियो राहत वाला नहीं मिलल? नहीं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, आप देख रहे हैं AOI लोकल न्यूज मुजफ्फरपुर लाइव, और मैं हूँ आपके साथ कोयला मन से राजीव कुमार। कोयला मन जो 1 नंबर वार्ड है जजवार पश्चिमी पंचायत के, यहाँ पर किन किन लोगों को इस योजना का लाभ मिला या नहीं मिला? जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, हम लोग अपना परिचय दीजिए। अच्छा, हमर जजवार पश्चिमी पंचायत में ग्राम कोयलामन से हम बोल रहा जी। जी हाँ, कोयलामन से बोल रहा जी। हमर नाम है शिवजी पासवान, हमर घर यह है मरिया झोपड़ी, 3 लड़का है। आज तक मुखिया की न कोई विकास काम न हमर कैलक न देलक, पक्का वाला के पक्का मिलल, हमरा कुछ न मिलल है। आज तक जो मरिया झोपड़ी में रहे के अवस्था न है, हमरा रहे के अवस्था न है, ये रहे के अवस्था न है। मुखिया कोई लाभ न हमरा सबके पक्का वाला के पक्का दिल, गरीब के मरिया झोपड़ी है कुछ न हमरा दिल है। आप की कहै छी, केना समय हम इंडिया में ना थी। अच्छा, अहाँ के घर कौन मकान कौन भेल अहाँ के? ये है ना है। अच्छा, कनी अहाँ ठाड़ भग दिखा दी अहाँ के मकान। ये है मरिया झोपड़ी, ये है मकान हमर। ये वाला अहाँ के मकान? जी जी, ये है। अच्छा, यह मकान भेल हमर, हमारे जुगी झोपड़ी। आप देख सकते हैं कि ये जजवार पश्चिमी पंचायत के 1 नंबर वार्ड कोयला मन की तस्वीर है, कि यहाँ पर गरीब त्रस्त हैं। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये इन गरीब परिवार का ये मकान है, और इनका कहना है कि आज तक जो है आवास योजना का लाभ इनको नहीं मिल पाया। तो आप भ्रष्टाचार, जो पंचायत में जो भ्रष्टाचार होता है, उसकी साबूत हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जजवार पश्चिमी पंचायत में गरीब परिवार का अनदेखी किया जाता है। उनका नाम शिवजी पासवान। शिवजी पासवान जी का ये मकान है, और इस मकान को आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी हर एक गरीब परिवार को आवास दे रहे हैं, लेकिन इन गरीब परिवार को अभी तक आवास नहीं मिल पाया है। तो आप कोई लाभ न हमरा मिले, एगो पन्नी तक न देते, पानी में खड़ा रही, एगो पन्नी तक न हमरा दे। अच्छा, आप मुखिया जी को बोलने गए हैं? जी हम बोले हैं मुखिया जी, हाँ हाँ करके, हाँ आई होगा कल होगा, कुछ नहीं हम लोग के करते हैं, झुग्गी झोपड़ी जैसे रहता हम लोग के। जी 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 है, कुछ नहीं कहीं यार, झुग्गी झोपड़ी पक्का वाला के दे दिया, 3 आदमी के दे दिया। अच्छा, बाढ़ का भी, बाढ़ के समय में भी आप लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ता होगा? इस समय बाढ़ का पानी आ जाता है, फिर आप लोग कैसे रहते हैं यहाँ? की करूँ, अब तो हम सब कि रोड रास्ता पर कहीं कहीं अवा बउआ कर रही थी, अवा बउआ कर रही थी, कोई साधन न, कोई व्यवस्था न। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि अब तो हमरा सबके कि न ये कुछ सुविधा चाहिए सरकार के तरफ से, सरकारी योजना जो मतलब पंचायत में आता है उसका लाभ आप लोगों को नहीं? जी जी ना, कुछ ना कुछ ना कुछ ना, 6,000 रुपया तक न मिलल, सबके दुनिया में मिल रही हमारे सबके। बाढ़ राहत जो मिलता है बाढ़ के समय, जी जी, वो 6,000 वो भी नहीं मिला है। 3 लड़का है, रहने की अवस्था नहीं है सर जी, क्या करे। चलिए, हम आपकी आवाज़ जो है अपने पंचायत और क्षेत्र के लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि आप लोगों के जैसा जो गरीब लोग हैं क्षेत्र में, उन लोगों को आवास योजना या सरकारी योजना जितना भी है उस योजना का लाभ मिले। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। पहले अपना नाम बताइए। नागे पासवान जी। जी सर, हमको देखिए मुखिया जी, 10 साल हो गया जी, अभी तक हम लोग को 1 रुपया का लाभ नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। आवास योजना का लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है आज तक हम लोग को, कुछ नहीं, कुछ मिलिए नहीं रहा है, मिलवे नहीं किया। यानी इतने दिनों में आप लोगों को एक भी सरकारी योजना का जो है लाभ नहीं मिला? 10 साल का लास्ट मुखिया रहल, कोई लाभ ना, कुछ नहीं मिला हम लोग। वृद्धा पेंशन का लाभ मिलता है आपको? जी, तो वृद्धा पेंशन यह 1-2 महीना से हम सब बड़ा कोशिश करिए, वो दोसर पंचायत के आदमी कल के भोली मुखिया से हो ना हमारा सब। जी जी जी, अहाँ के वृद्धा पेंशन मिले?
अहाँ के उम्र तो 60 साल से पार हेतु ना वृद्धा पेंशन नहीं मिले तो वही के लेल जे मुखिया छे पंचायत के हुनका कहलिए अहाँ जे कि हमरा सबके वृद्धा पेंशन अहाँ सबके आवास योजना के लाभ मिलल ना के ना दिले आवास योजना के लाभ एखन तक नहीं मिला अनीता देवी जी 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 अहाँ के जे सरकारी योजना के जे जना आवास योजना भ गेलै शौचालय भ गेलै या कोनो अन्य योजना जे अबै छै के लाभ अहाँ के मिलैय न कुछो न मिलल अच्छा आवास योजना के ना ओ सब न मिलल अच्छा ई सब योजना अगर नहीं मिलै छै तो ओइ के लेल अहाँ सब जे छै से अपना प्रतिनिधि के आवाज पहुँचबै छियै जे हमरा सब के ई योजना के लाभ मिलै के चाही पासवान सबके जे फंड नहीं सरकार के तरफ से बंद है अब बताओ आप की कर सकते हैं बोली खुद कहलक जे फंड की ना है आवास योजना के लाभ नहीं मिलल अहाँ के यही के घर है हाँ न भेटल का हमरा सबके इतना राशन फसन न दे छी बच्चा सबके अच्छा अच्छा आ न घर द्वार दलखिन आ कहलखिन कि बोलू भेज देबे नेट पर आवासो योजना के लाभ नहीं मिलल ना की कहलखिन जे नेट पर भेज देबे घर या देखबे कर छी खोपड़ी मरैया है कसे सामने में है का अच्छा बाढ़ के पानी जे छै सही समय अबै था पानी घर में ढुकल रहलै या पन्नी न देलखिन मुखिया जी पन्नी न देलखिन मुखिया जी यानी एकौटा सरकारी योजना के लाभ अहाँ सबके नहीं मिलैय न भेटैय बाढ़ राहत जे 6000 रुपया आयल छलै से न एगो बेचारा कान के बही रहै से त ओकरा देबे न कलकै 6000 रुपया ओहे न हमरा त पैसा भेटल ह आ न हमरा सबके दाना दैय एते कार्ड भेटलै यक सबके हमरा सबके न दैय कहो कि मुखिया जी हम ई कार्ड बना के दे देलियै ह आ हमरा बता द क वार्ड नंबर बेचारा के देबे न करै छी त ओकरा से भेलू के अहाँ से होतै क अहाँ के मिलल आवास योजना के लाभ मिलल घर के लेल पैसा और शौचालय वगैरह के लेल किछो के लेल यानी सरकारी योजना के कोनो लाभ नहीं मिले तो एक सरकारी योजना के लाभ मिले या आवास योजना के लाभ नहीं मिलल तो ये सामने वाला जो अहाँ के घर है यहीं के घर है ना तो बाढ़ राहत जो आये 6000 रुपया वो मिलल अहाँ के बाढ़ियों राहत वाला नहीं मिलल तो आप लोगों को हमने दिखाया कि किस प्रकार से पंचायत में लूट घसोट और भ्रष्टाचार किया जा रहा है आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और शेयर करने से ये होगा कि इन परिवार को इनका हक मिलेगा जो इनका हक है वो हक मिलेगा धन्यवाद नमस्कार प्रणाम अगर आप भी चाहते हैं कि लोकल न्यूज का हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप